आपने ये सेइंग तो सुनी ही होगी, इफ़ यू ट्राई टू रीच एवरीवन यू विल रीच नो वन। तो अगर आप एक फ्रीलांस बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं तो आपको एक स्पेसिफिक नीश और आइडियल क्लाइंट्स डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी कंफ्यूज हैं अपनी नीश को लेकर तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि कैसे आप अपने लिए एक प्रॉफिटेबल नीश डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम हाउ की बात करें, लेट्स डिस्कस व्हाट एंड व्हाई। नीश क्या है एंड क्यों एक स्पेसिफिक नीश होना इतने इम्पॉर्टेंट है? तो सिंपल वर्ड्स में अगर बोलें तो नीश एक फोकस सेगमेंट है ब्रॉडर मार्केट का, एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट जैसे कि एक सब कैटेगरी होती है एक बिगर इंडस्ट्री या मार्केट का। फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर एक ब्रॉड मार्केट है एंड पर्सनल ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, फिटनेस एंड मेंटल हेल्थ आर नीशेस विद इन दैट मार्केट। तो आप अपनी नीश ब्रॉड रख सकते हैं जैसे हेल्थ एंड फिटनेस, और इसको नैरो कर सकते हैं जैसे वेट लॉस और बॉडी बिल्डिंग। आप सर्विस के बेस पर भी नीश चूज कर सकते हैं, जैसे आप सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग किसी स्पेशल प्लेटफॉर्म के लिए करते हैं जैसे ट्विटर, FB, इंस्टा और लिंक्डइन। अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑडियंस को सर्विस सर्व करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी आप नीश सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके टारगेट ऑडियंस वर्किंग मॉम्स हैं, तो आप उन ब्रांड्स के साथ काम कर सकते हैं जो यंग एंड वर्किंग मॉम्स को सर्विस ऑफर करते हैं। तो जितना स्पेसिफिक आप होंगे उतना आपके हाई पेइंग क्लाइंट्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई। फर्स्ट रीज़न इज़ मोर क्लाइंट्स मोर मनी। तो जितना आप अपनी नीश को स्पेसिफिक रखोगे आप उतने ही ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं। यह आपको इस क्राउडेड मार्केट प्लेस में स्टैंड आउट करने में और एक राइट क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। अब आपका क्वेश्चन होगा कि पवन कैसे एक स्पेसिफिक एंड नैरो मार्केट से मैं ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ और ज़्यादा क्लाइंट क्लोज कर सकता हूँ। आंसर सिंपल है कि जिस नीश में भी आप काम करना स्टार्ट करते हो तो टाइम के साथ आप उसमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो, और एक क्लाइंट उन्हीं फ्रीलांसर्स के साथ काम करना पसंद करता है जिनको किसी स्पेसिफिक सर्विस या इंडस्ट्री में पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो। रीज़न नंबर दो, फुलफिलमेंट। तो जिस काम को हम कर रहे हैं उसको पूरे पैशन और इंजॉयमेंट के साथ करना चाहिए, ये बात तो हम सभी जानते हैं। और फ्रीलांसिंग की खूबसूरती यही है कि आप वो प्रोजेक्ट्स चूज करते हैं और उन प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट हो और जिसमें आप अपना 100% क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस कर पाएँ। मान लीजिए आपने कोई भी नीश डिसाइड नहीं की है और आपका किसी भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज नहीं है, तो आज आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हो, कल आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, परसों आप SEO कर रहे हैं, तो हो सकता है आप इनमें से किसी भी सर्विस को अच्छे से 100% अपना आउटपुट ना दे पाएँ और क्लाइंट को आप हाई क्वालिटी वर्क डिलीवर ना कर पाएँ। तो पहले आप एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बने और साथ साथ आप अपनी दूसरी स्किल्स पर भी काम करते रहें, ताकि जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आता जाए तो फ्यूचर में आप अपने मार्केट को और ब्रॉड कर सकें। पर यहाँ पर एक फ्रीलांसर पैराडॉक्स आता है कि एक्सपीरियंस तो आपको काम करने के साथ ही मिलेगा, राइट? तो आपको काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे कि नीच डाउन योर मार्केट, जैसे मैं बोल रहा हूँ। आप अपना फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट करते हैं तो आपको जो भी प्रोजेक्ट्स मिले आप उन पर काम कीजिए, और फिर आप देखिए कि आप किस इंडस्ट्री में या किस ऑडियंस के लिए अच्छा काम डिलीवर कर पा रहे हैं और आपको उस काम करने में मज़ा भी आ रहा है। तो टाइम के साथ जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा तो आप अपने लिए एक स्पेसिफिक नीश डिसाइड कर पाएंगे। लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू चूज अ नीश। तो आप खुद से चार क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आपकी हेल्प करेंगे नीश डिसाइड करने में। फर्स्ट स्टेप है सेल्फ डिस्कवरी। एक नोट पैड लीजिए एंड एक पेन लीजिए एंड थोड़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए एंड अपने इंटरेस्ट, पैशन एंड अपनी स्किल्स को नोट डाउन कीजिए। क्या कुछ ऐसा है जो आप ऑलरेडी जानते हैं एंड उसको लेवरेज कर सकते हैं? सपोज कॉलेज में आप टेक में बहुत अच्छे थे एंड राइटिंग करना आपकी हॉबी थी, तो आप टेक नीश में ही कॉन्टेंट राइटिंग सर्विस ऑफर कर सकते हैं। सो इट्स गुड टू स्टार्ट विद वर्क इन अ फ्रीलांस नीश यू एक्चुअली इन्जॉय।
क्या आप अपनी निश के बारे में लर्न करने के लिए रेडी हैं? क्या आप बुक्स, ब्लॉग्स, वीडियोस, कोर्सेज एंड अदर रिसोर्सेज के थ्रू अपनी स्किल्स पॉलिश कर सकते हैं? आप अपनी निश के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करने का ट्राई करें। अपना वर्क एंजॉय करना अच्छी बात है, बट उससे बिल्स पे नहीं होते हैं। एंड फ्रीलांसिंग इज़ योर बिजनेस, नॉट अ हॉबी। तो अगला क्वेश्चन है कि क्या आपकी फ्रीलांसिंग नीश में रेवेन्यू पोटेंशियल है? तो इसके लिए यू नीड टू रिसर्च द मार्केट। हाउ बिग इज़ योर मार्केट? हाउ मच डू दे पे? तो आप सिंपली अपवर्क, फाइवर या लिंक्डइन पर जाकर सर्च कर सकते हैं कि क्लाइंट्स आपकी नीश या सर्विसेज के लिए वहाँ सर्च कर रहे हैं या नहीं, और कितना उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए वो पे कर रहे हैं। आप गूगल ट्रेंड्स पे भी जाके चेक कर सकते हैं कि आपकी इंडस्ट्री या नीश की ग्रोथ एंड पॉपुलैरिटी कितनी है, और अगर ग्राफ अपवर्ड है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसकी डिमांड मार्केट में है या नहीं। जैसे ही आप एक नीश डिसाइड कर लो तो एक्सपेरिमेंट रन कीजिए एंड ट्राई कीजिए कि 30 डेज़ के अंदर आप एटलीस्ट 3 क्लाइंट्स क्लोज करें। यह आपको हेल्प करेगा आपके डिसीजन को वैलिडेट करने के लिए, एंड आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप इसको इन्जॉय कर रहे हैं कि नहीं। आप अपने लिंक्डइन या ट्विटर के टाइटल एंड अबाउट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं व्हाट यू डू। द आइडिया इज़ टू सी हाउ मेनी क्लाइंट्स यू आर गेटिंग एंड टेस्ट टेस्ट द पोटेंशियल ऑफ द नीश। सेम टाइम पर आप 2-3 नीशेज भी ट्राई कर सकते हैं जस्ट टू फाइंड द परफेक्ट नीश। और अगर कोई नीश आपके लिए वर्क नहीं कर रही है तो आप कभी भी इसे चेंज कर सकते तो इस हैं। वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई क्वेश्चन, सजेशन या डाउट हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक लाता रहूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।